हैदराबाद शराब घोटाले की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पेशी के लिए बुलाया। के कविता महिला आरक्षण बिल पर प्रदर्शन के लिए राजधानी दिल्ली पहुंची है। आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई मुद्दों पर न केवल अपना रुख सामने रखा बल्कि यह भी प्रश्न पूछा कि आखिर ईडी को इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि चुनाव में तो अभी समय है। तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर चल रही है इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है, हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए, और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं आपको खुद चल के आना होगा। देखिए मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। एक तो बात यह है कि जब भी कोई आवाज़ उठाता है किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ तो पहले पहले बाकी विपक्ष लोगों को लगता है कि आवाज़ उठाने का हक सिर्फ हमें है तो बाकियों को यू नो अंडरमाइन करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो इमीडिएटली बोलते हैं ये बी टीम है सी टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है, दे आर नॉट अ नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री नॉट इन कांग्रेस पार्टीज इंटरेस्ट, एंड जहां जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी से उनसे अलाइन करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए तो दे शुड लीव देयर एरोगेंस, दे शुड कम डाउन, दे शुड बिकम अ टीम प्लेयर, दे शुड वर्क विद ऑल द पार्टीज टू मेक श्योर बीजेपी लूजेस द नेक्स्ट इलेक्शन, तब उनको पता चलेगा कौन बी टीम है कौन ए टीम है कौन क्या टीम है।